यहाँ पर हम देखेंगे टेन कैपिटल बी माइनस सी अपॉन टू इक्वल टू बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी इक्वल टू कॉट ए बाई टू। ये इसकी LHS है और ये इसकी RHS है। LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, RHS मीन्स राइट हैंड साइड। कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी एंगल ऑफ ट्राइंगल है, ये एंगल्स हैं, और स्मॉल ए स्मॉल बी साइड्स हैं। मुझे पता होना चाहिए किसी भी ट्राइंगल के तीनों सम एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। अब क्या करेंगे हम इसमें प्रूफ करेंगे, तो मैं इसकी क्या ले लेता हूँ, सबसे पहले राइट हैंड साइड ले लेता हूँ। राइट हैंड साइड मैंने इसके लिए बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी कॉट ए बाई टू। अब यहाँ साइन लॉ से इसमें इसकी वैल्यू पुट करूंगा, साइन ए, साइन लॉ क्या होता है, साइन ए अपॉन ए इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इक्वल टू साइन सी अपॉन सी इक्वल टू के। तो अगर पहले इन दो टर्म को लेता हूँ मैं, साइन ए अपॉन ए इक्वल टू के, तो स्मॉल ए की वैल्यू निकालूंगा तो साइन ए अपॉन के आएगी। सिमिलरली स्मॉल बी की वैल्यू निकालूंगा तो साइन बी अपॉन के आएगी, और स्मॉल सी की वैल्यू निकालूंगा तो साइन सी अपॉन के आएगी। इसमें पुट कर दूंगा RHS वाली वैल्यू में, तो इसमें वैल्यू पुट करी तो साइन बी अपॉन के माइनस साइन सी अपॉन के इज इक्वल्स टू साइन बी अपॉन के प्लस साइन सी अपॉन के और कॉट ए बाई टू। के एलसीएम लेके कट जाएगा, इधर आएगा साइन बी माइनस साइन सी अपॉन साइन बी प्लस साइन सी कॉट ए बाई टू। इधर साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो याद रखिए माइनस वाली फॉर्मूले, साइन वाला टर्म माइनस होगा, कॉस वाला टर्म प्लस होगा, मीन्स कॉस बी प्लस सी अपॉन टू और साइन बी माइनस सी अपॉन टू। सिमिलरली नीचे प्लस है तो साइन वाला टर्म प्लस होगा, साइन बी प्लस सी अपॉन टू और कॉस वाला टर्म माइनस होगा, और कॉट ए बाई टू एज इट इज रहेगा। देखिए टू और होता है इधर आगे, टू से टू आपस में कट जाएगा। ये देखिए कॉस बी प्लस सी बाई टू और ये साइन बी प्लस सी बाई टू, ये हो जाएगा कॉट बी प्लस सी अपॉन टू, और ये हो जाएगा साइन बी माइनस सी अपॉन टू अपॉन कॉस बी माइनस सी अपॉन टू टेन बी माइनस सी अपॉन टू इंटू कॉट ए बाई टू। इस बी प्लस सी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए मैंने आपको बताया ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई होता है किसी भी ट्राइंगल में, तो बी प्लस सी की वैल्यू लिख सकता हूँ पाई माइनस ए। इस वैल्यू को मैं इधर पुट कर देता हूँ तो कॉट पाई माइनस ए अपॉन टू टेन बी माइनस सी अपॉन टू कॉट ए बाई टू कॉट पाई बाई टू माइनस ए बाई टू टेन बी माइनस सी अपॉन टू कॉट ए बाई टू। कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, टेन ए बाई टू। इस कॉट ए बाई टू को इसके बगल में लिख लूं, कॉट ए बाई टू इंटू टेन बी माइनस सी अपॉन टू। ये आपस में कट जाएंगे, फाइनल आंसर मेरे पास टेन बी माइनस सी बाई टू बचेगा, जो मुझे ये प्रूफ करना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो माई चैनल।